हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट द थर्ड चैप्टर ऑफ द हाई बुक द लिटिल गर्ल विच शोज ए थीम ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ डॉटर एंड ए फादर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू आर मच यंगर? क्या आप ऐसा महसूस करते हैं कि अब आप अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छा समझने लगे हैं देन वेन यू आर मच यंगर, जब आप छोटे थे उसकी बजाय अब ज़्यादा अच्छे आपको समझ आने लगी है पेरेंट्स के बारे में? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। परहैप्स शायद अब आप ज़्यादा समझने लगे हैं द रीजन्स ऑफ सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर। कई बार फादर मदर पेरेंट्स उनके कोई ऐसा एक्शन होता है जिनकी देख कर आप बहुत अपसेट होते थे पहले जब आप छोटे थे, लेकिन अब आपको उनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि येस दे वर वेरी राइट। तो दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल एक छोटी सी लड़की की कहानी है हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। उस लड़की की जो फीलिंग्स थी पहले अपने फादर के प्रति बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम शी अंडरस्टूड द एक्शंस ऑफ हर फादर। ये जो कहानी है दिस स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल कि बिगिनिंग में फियर होता है फादर का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बड़ी होती गई या जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो शी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। ये जो कहानी है विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। इको का मतलब क्या होता है? साउंड, गूंजना। ये जो कहानी है कि शुरुआत में बच्चे अपने पेरेंट्स से डरते हैं लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो डरना बंद कर देते हैं, ये जो कहानी घर घर की कहानी है, हर घर में ये कहानी गूंजती है। तो आओ देखें किस तरह का फियर था, व्हाट टाइप ऑफ फियर द लिटिल गर्ल वॉज हैविंग फ्रॉम हर फादर। यस, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। फर्स्ट पैरा, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए ही कौन है यहाँ पर? उसका फादर। ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, जिससे डरना है। ए पर्सन टू बी फियर्ड मीनिंग इज गिवन, एंड अवॉइडेड, अवॉइडेड का मतलब बचना है, मतलब जितना हो सके फादर के सामने नहीं आना, फादर के कॉन्टैक्ट में नहीं आना, इतना डर था उस छोटी लड़की को फादर का। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। फादर के साथ कुछ ज़्यादा अटैचमेंट नहीं थी, बस एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, ऑफिस जाने से पहले वो उसके रूम में आता, गेव हर ए कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। कैजुअल किस मीन्स डेली रूटीन, नॉर्मली हर रोज किस करता अपनी बेटी को और गुड बाय और चला जाता। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, वो आगे से बेटी क्या कहती थी? गुड बाय फादर। एंड ओ देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। देर वॉज ए ग्लैड सेंस, ग्लैड यू नो हैप्पी, खुश। आप लेटर में भी लिखते हो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। देर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, रिलीफ मतलब आराम, रिलैक्स। When she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter, मतलब पापा जिस कैरिज में व्हीकल में जाते थे उसकी आवाज़ जब धीरे धीरे, फेंटर का मतलब होता है कम होना, जैसे जैसे व्हीकल दूर जा रहा है घर से उसकी आवाज़ कम होती जा रही है, तो जैसे जैसे आवाज़ कम होती जा रही है तो शी स्टार्ट्स फीलिंग ए सेंस ऑफ ग्लैड, सेंस ऑफ रिलीफ। वो लड़की लिटिल गर्ल जिसको अपने फादर से इतना डर लगता है वो बहुत खुश होती है, रिलैक्स महसूस करती है कि चलो फादर अब गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. अब देखो ऑफिस में गए हैं, वर्क पे गए हैं, इवनिंग में फादर कम्स बैक, तो शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस। अब शाम को जब पता है फादर ने आना है तो उस समय क्या उसका रिएक्शन होता है लिटिल गर्ल का? शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। लाउड वॉइस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके फादर जो हैं बहुत लाउडली बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखें जरा, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मेरी चाय ड्राइंग मिल में क्या हो, हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया क्या? मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मदर जाओ, गो एंड सी, देखो माई पेपर हैज आउट देयर, पेपर वहाँ है या नहीं, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरे स्लीपर्स लेकर आओ। तो ये उसके फादर का नेचर है, घर में आते ही लाउडली बोलता है मेरे को चाय चाहिए, ब्रिंग माई टी, वेयर इज माई न्यूज़ पेपर, वे ब्रिंग माई स्लीपर्स, he started giving order. Next we see, second is para Kezia. Mother would call to her,
केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स। तो मदर वो कैसे बुलाया करती थी, यहाँ देखिए आप वुड कॉल दिया हुआ है, वुड कॉल जो है वो पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं, तो ये एक रूटीन थी उनकी, हैबिट है, मदर वुड कॉल टू हर, मदर उसको बुलाती, केजिया इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो आओ टेक आवर फादर्स बूट्स। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, यहाँ आप देखें स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन, तो धीरे धीरे आ रही है, वाई शी इज़ कमिंग स्लोली, बिकॉज देयर इज़ अ फियर इन हर हार्ट, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, हॉल के पास जहाँ उसके पापा बैठे हैं वहाँ और धीरे हो जाती है, एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस समय तक ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन, चश्मा लगा हुआ है, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे, उस पर इस तरीके से देखता है, दैट वॉज टेरीफाइंग टू द लिटिल गर्ल, कि छोटी लड़की को डर लगने लग जाता है, टेरीफाइंग का मतलब होता है फियर। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, आओ जल्दी करो ये शूज उतारो और ले जाओ, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, मतलब इसका मतलब है क्या तुम अच्छी लड़की बनी आज, मतलब आज तुम अच्छे ढंग से रहे। तो इस क्वेश्चन पे केजिया का क्या रिएक्शन है, वो कैसे रिप्लाई करती है, देखिए जरा, I don't know father. देखिए यहाँ पर जो स्टैमरिंग हो रही है, don't father. This is the sign of fear. मतलब फादर ने क्वेश्चन पूछा कि हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, तो उस वो रिप्लाई करने में कितना डर रही है, उसकी जबान जो है लड़खड़ा रही है, इतना सा जवाब देने में कितना फियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्या होता है कि बच्चों के मन में फादर का इतना फियर हो कि एक क्वेश्चन का जवाब देने में भी जबान लड़खड़ा जाए। देखिए जरा नेक्स्ट क्या होता है, द फादर इज सेइंग व्हेन ही लिसन, केजिया सेड आई डोंट नो, यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, स्टटर, यू सी स्टटर का मतलब होता है हकलाना, जो आप स्टैमरिंग हो रही है, हकला रही है, वो जो लड़खड़ा रही है, कि इफ यू स्टटर लाइक दैट, स्टटर मीन्स यू डोंट नो दैट मदर विल हैव टू टेक यू डॉक्टर, वही तेरे को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Third stanza, it has been shown that कि she never stuttered, कभी भी stuttering नहीं होती जब किसी और लोगों से बात करती है, but only with father, father के साथ ही stuttering होती है, why, ऐसा क्यों, क्योंकि father के सामने वो बहुत ज़्यादा properly बोलने की कोशिश करती है, ज़्यादा attentive होने की कोशिश करती है और घबरा कर लड़खड़ा जाती है। What is the matter? What are you looking so wretched about? Further the father says, what is the matter? ये क्या बात है? What are you looking so wretched about? Wretched about meaning is given unhappy. तुम इतनी unhappy क्यों दिख रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Father की mother भी है, मतलब little girl की दादी भी है, तो उसको कहते हैं कि mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Brink क्या होता है? किनारा। इसको कहो खुश रहा करे, ऐसा ना हो कि कहीं ये सुसाइड ही कर ले। हेयर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, उसको चाय के लिए कहता है। नाउ इन दिस पैरा फादर्स फिजिकल अपीयरेंस हैज बीन शोन, ही वॉज सो बिग, फादर दिखने में कैसा है, सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड, यॉन्ड का मतलब क्या होता है, उबासी लेना, कि उसके जो हाथ बड़े बड़े हैं, बहुत ही फिजिकली स्ट्रांग है, नेक बड़ी है, उसका माउथ बहुत बड़ा है, स्पेशली व्हेन ही जान, जब वो उबासी लेता है, मुंह खोल के उबासी लेता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट, उसके बारे में सोच के यूँ लगता है कि शायद ये जायंट है, पूरा राक्षस है, इतना बड़ा है, दानव की तरह लगता है। देखो भाई, ऐसा किसी का फादर है क्या कि जो हाथ बड़े बड़े, माउथ भी बड़ा बड़ा है, राक्षस की तरह उसका डैडी लगता है, तो गर्ल बहुत घबरा गई है। वहाँ भी थोड़ा सा फादर के बारे में देखना, अपना कैसे किस तरह के फादर हैं, आप तो नहीं डरते उनसे। चलो नेक्स्ट देखें हम, फोर्थ पैरा, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। संडे आफ्टरनून, संडे को ग्रैंड मदर ने क्या किया, ड्राइंग रूम में भेज दिया केजिया को टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, जाओ अपनी मम्मी पापा के साथ बातें करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, अब लिटिल गर्ल क्या देखती है कि जो मदर है ऑलवेज रीडिंग, एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा, और फादर जो है संडे को सोफे के ऊपर, आप देख सकते हैं कि देखें यहाँ पर फादर जो है सोफे के ऊपर पूरा स्ट्रेचिंग सो रहा है,
हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका जो रुमाल है उसके चेहरे पे होता है, एंड हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, आप देख सकते हैं उसके जो पाँव हैं बेस्ट कुशन के ऊपर हैं, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत गहरी नींद में सो रहा है, मदर ये पढ़ रही हैं। स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे मारना, खूब खर्राटे मारता है, सो रहा है, संडे को थका होता है, वीकेंड है, संडे है, संडे को जो है वो आराम करता है। उसके बाद देखें, शी सेट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर हर सेट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक, शी सेट ऑन ए स्टूल, वहाँ जाती तो क्या करती, कुछ भी नहीं करती, फादर इज स्लीपिंग, तो शी ग्रेवली, देखें आप ग्रेवली वर्ड है, ग्रेवली का मतलब होता है चुपचाप, बड़े गंभीर रूप से, सीरियसली, ग्रेवली का मतलब क्या होता है, सीरियसली, सीरियसली जो है वो वहाँ पर बैठ जाती, वॉचिंग, वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आफ्टर द टाइम, जब तक वो जाग ना जाए, स्ट्रेचिंग ना हो जाए प्रॉपरली, और टाइम ना पूछे, देन लुक डैट हर, तो फिर उसको वो देखता था, देखने के बाद क्या कहते फादर, डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, डोंट स्टेयर सो केजिया, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ऐसे क्यों घूर रही हो, डोंट स्टेयर, ऐसे मत घूरा करो, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक लिटिल ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, उल्लू की तरह लगती हो, ऐसे मत घूरो। वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, एक दिन की बात है, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद ए कोल्ड, उसको कोल्ड हो गया था, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, ग्रैंड मदर ने बताया कि फादर का बर्थडे कब है, नेक्स्ट वीक है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन क्वेश्चन फॉर ए गिफ्ट, वो अपने पापा के लिए एक पिन क्वेश्चन बनाए एज ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, येलो सिल्क कपड़े का एक बहुत सच्चा क्वेश्चन बनाए और फादर को क्या करे, गिफ्ट करे। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, तो लड़की ने क्या किया, एक कपड़ा लिया उसकी तीनों साइड्स को स्टिच कर दिया, अब इसको देखें, बट वट टू फिल इट विद, इसके अंदर भरे क्या, तीनों साइड दो कपड़ा ले लिया, फिलिंग किससे करें इसके अंदर, दैट वॉज द क्वेश्चन। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, स्क्रैप्स मीन्स यू नो कि जो अननेसेसरी मीनिंग इज गिवन, स्मॉल पीसेज ऑफ क्लॉथ और पेपर। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर दैम अप, टोर दैम इन टू टाइनी पीसेज एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द फोर साइड, तो उसको पुराना कुछ नहीं मिला, तो बेड टेबल के ऊपर कुछ एक पेपर्स पड़े थे, उसने वो पेपर गैदर किए, इकट्ठे किए, टोर दैम, फाड़ दिए और स्टफ्ड हर केस जो उसने बनाया था उसके अंदर भर दिए, एंड सीव्ड द फोर्थ साइड, चौथी साइड भी उसने जो है स्टिच कर दी। दैट नाइट देर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई का मीनिंग दिया हुआ है एंग्री प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ घर के अंदर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर ने स्पीच लिखी थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गई। अब आप समझ गए, वो जो पेपर्स पड़े थे जिसको लिटिल गर्ल केजिया ने फाड़ कर उसके अंदर डाल दिया था, तो वो एक इंपॉर्टेंट स्पीच के पेपर थे। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम टू केजियाज रूम, हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में केजिया के रूम में मदर आए। केजिया, आई स्पॉट यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन अवर रूम, जब से पूछा गया तो केजिया वाज ए नाइस गर्ल, शी सेड ओह यस आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने तुमको फाड़ दिया सरप्राइज के लिए। तो मदर का क्या रिएक्शन था, वॉट, स्क्रीम्ड मदर, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, वॉट, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुम डाइनिंग रूम में चलो, कम ऑन, एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड इज अ बैग, उसको घसीट के वहाँ लाए गए जहाँ फादर टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे और कमरे में घूम रहा है, हैंड्स बिहाइंड हिज अ बैग। वेल, ही सेड शार्पली, अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, रुक गया और बच्चे के ऊपर घूर के देखने लगा, डिड यू डू दैट, ये तुमने किया है, देखो वो फियर, डर गई वो, नो 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 नो, शी विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे बोलना। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट।